नमस्कार बेंगलोर, कैसे हो मेरे दोस्तों? व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आप सभी का दोस्त अमित भटीजा। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। मैं बेंगलोर आया हूं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस सीरीज में, सिर्फ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स, आइकॉनिक जॉइंट, स्ट्रीट फूड कवर करने। हम इस सीरीज का पहला वीडियो आज शूट करने वाले हैं, और अगर मैं आइकॉनिक बोलता हूं तो सबसे पहली जगह जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन बैंगलोर, इट हैज टू बी विद्यार्थी भवन। अब ये जगह बनी हुई थी 1943 में, तभी विद्यार्थी भवन इस जगह का नाम इसीलिए दिया गया है बिकॉज विद्यार्थी मीन स्टूडेंट्स, भवन मीन्स होम। तो यहाँ के जो ओनर थे 1943 में, उन्होंने ये जगह बनाई थी फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आया करते थे। ज्यादा वेट नहीं करूंगा, बहुत जगह आज ट्राई करनी है। मेरे पीछे विद्यार्थी भवन है और भाई बहुत गर्दी है। कितनी गर्दी है मैं अभी आपको दिखाता हूँ और फिर हम डोसा खाएंगे। हम लोग 45 मिनट्स रुके हैं एंड वी आर फाइनली हैविंग अ ब्रेकफास्ट। हम लोग ने एक मसाला डोसा ऑर्डर कर लिया है, उसके साथ चार फिल्टर कॉफ़ी ऑर्डर किया बिकॉज मेरी फैमिली है यहाँ पे, हम लोग चार लोग हैं। तो हियर इज अवर मसाला डोसा। काफी वेट करने के बाद वी हैव गॉट दिस। ऐसा काइंड ऑफ मसाला डोसा मैंने पहले कभी खाया नहीं है। इट्स लाइक ऐसा ओपन एंड क्लोज काइंड ऑफ डोसा है। मैंने नॉर्मली जब डोसा खाया तो ऐसा एक बड़ा वाला एक रोल काइंड ऑफ रहता है, बट यहाँ पे मैंने टिपिकल साउथ इंडियन डोसा खाया नहीं है। लेट्स ट्राई एंड ओपन दिस। बहुत सारा घी है इसमें, बहुत सारा। ये आलू लुक्स वेरी वेरी गुड। साउथ इंडियन फूड फॉर 24 आवर्स में मैंने बोला था, साउथ इंडियंस आर बेस्ट व्हेन इट कम्स टू अपने आलू के मसाले को यूज करने के लिए। एंड हियर इज दिस चटनी। डोसा काफी क्रिस्पी है। जो डोसा है ना थोड़ा सा थिक है, एकदम ऐसा पेपर थिन डोसा आप इसको मत कंसीडर करिएगा। वो मुझे लगता है ये जो इनका घी है ये इनका एक एसेंस है। एंड अगेन जो चटनी है वो डिसेंटली स्पाइस्ड है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, एकदम ऐसा कंफर्ट मसाला डोसा कैसे बोलते हैं। थोड़ा आलू का भाजी एंड अ वेरी क्रिस्पी डोसा। आपको हैवी लगेगा और इसके एक में आपका पेट भर जाना चाहिए। जो भी हाइप है एकदम सही है, एकदम रियल है। इसमें बहुत सारा मस्टर्ड सीड यूज़ किया गया है और जो टेक्सचर है आलू का वो इतना सॉफ्ट, इतना मेल्ट इन द माउथ है, बहुत ही ज़बरदस्त है। हल्के हल्के इसमें पीनट्स भी हैं। मैंने अपने यहाँ पे थिन और क्रिस्पी डोसा तो बहुत खाया है, मुंबई में तो मैंने बहुत खाए हैं, बट ऐसा थिक होने के बावजूद भी इतना क्रिस्पी डोसा होना कमेंडेबल है। यहाँ पे हर टेबल पे डोसे के साथ फिल्टर्ड कॉफी तो मैंडेटरी है, सब ऑर्डर कर ही रहे हैं तो हम लोग ने भी ऑर्डर किए। ओह वाओ, ये एकदम ऐसी कॉफी है जैसे मुझे पसंद है। हल्की सी फ्रॉदी है एंड कड़क है, शक्कर भी कम है एंड इतना ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है दूध, इतना पतला भी नहीं है, एकदम प्रॉपर एकदम सही कॉफी है। सो अगर हम लोग बैंगलोर में आते हैं और अगर सब एक ब्रेकफास्ट करेंगे तो कोई मतलब नहीं है बिकॉज बैंगलोर इज नोन टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्रेकफास्ट स्पेशलिटीज, बहुत जगह ब्रेकफास्ट खाने के लिए। इसलिए विद्यार्थी भवन के बाद अभी जो जगह पे ब्रेकफास्ट करने आया हूँ ये बहुत रिकमेंडेड थी भाई, आप लोगों ने बहुत बोली है और पर्सनली मुझे भी ये खानी थी चीज़। और अगर मैं इडली में थोड़ा खाऊंगा बैंगलोर में आके, और अगर मैं वीना स्टोर्स में से नहीं खाऊंगा ना तो मैं पक्का कोई गलती कर रहा हूँ। दिस इज हाउ द इडली एंड वड़ा लुक्स लाइक। ओह वाओ, चटनी स्पाइसी है, इसमें मिंट और कोकोनट दोनों है। एक चीज़ जो मैंने पहले पढ़ी थी जब मैं बिना सॉस के बारे में पढ़ रहा था, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड चटनी मिलती है, अनलिमिटेड। वैसे मैं एक दो बार और रिफिल करूँगा, मतलब मैंने इतनी बड़ी इडली अपने यहाँ पे कल्याण में तो कभी खाई नहीं है, और मुंबई में भी आई डोंट नो इतनी बड़ी इडली कहीं मिलेगी या नहीं, वो आपको साउथ में स्पेशली बैंगलोर में तो डेफिनेटली मिलेगी। ये वड़ा ट्राई करता हूँ, वड़ा तो बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी है, इतना क्रिस्पी है कि मेरा चम्मच अटक गया उसमें। एक चीज़ आपको ना इडली वड़ा थोड़ा सा जल्दी खाना पड़ेगा वरना चटनी जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी सूख जाती है। ओह, जब मैंने इसको ब्रेक किया
मैं तभी समझ गया था ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होने वाला है, एंड अगर आप इसको इस चटनी के साथ पेयर करोगे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। वड़ा एकदम बेसिक है, अंदर जीरा वगैरह हल्का सा और लाइटली स्पाइस्ड है। सारा गेम, मैं बोल रहा हूँ सारा गेम यहाँ पे इस चटनी का ही है। अभी मैं चटनी एक बार और रिफिल करवाऊंगा, क्योंकि अगर अनलिमिटेड है तो लिमिटेड चटनी खाने का मज़ा नहीं आएगा। एक बार इसको और रिफिल करवाएंगे। एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं कि ये जगह 1977 से यहाँ पे है, मतलब मोर देन 40 ईयर्स। और मेरे पीछे घड़ी देख के तो आप समझ ही गए रहेंगे कि यहाँ पे ये जगह 40 ईयर्स से है, तो मतलब कुछ तो खास होगा। दे रहा हूँ आपको, अगर आप कभी भी बैंगलोर आते हो ट्राई करो ओला उबर मत लीजिए, लोकल ऑटोज में घूमिए। हम लोग का एक्चुअली पहले प्लान था कि हम लोग एक कैब लेंगे 5 to 6 days के लिए, उसमें घूमेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग ने इतने सारे ऑटोज देखे, तो बेसिकली यहाँ पे ऑटोज ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं एंड नॉट द ओला एंड कैब, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, विच इज़ अ वेरी स्मार्ट थिंग। तो ट्राई करिए, ये मैं आपको छोटी सी एक टिप दे रहा हूँ अपने साइड से, बिकॉज हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। अभी हम लोग लंच खाने जा रहे हैं MTR में, MTR बहुत लोगों ने बोला था करेंगे, लेट्स गो MTR। और ये MTR खुले और हम लोग आ गए हैं, दिस इज द ओनली टाइम आपको ये रेस्टोरेंट थाली मिलेगा। सो अभी हम लोग आ चुके हैं MTR में, हम लोग MTR में उनकी MTR स्पेशल वेज थाली खाने वाले हैं। अब MTR में मुझे बहुत लोगों ने डोसा बहुत अलग अलग चीज़ें रिकमेंड की थी, वैसे मैंने बात भी बोला था ट्राई करने को, बट करंटली वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, सिर्फ मील मिल रही है। तो हमारे पास हमारे यहाँ पे हमारी थाली है, ये भरने की देर है अभी। ये लोग ने रेड कलर में कुछ ड्रिंक दिए, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसे प्रॉपर साउथ इंडियन थाली खाई नहीं है और ना ही मैंने MTR की पहली थाली ऑब्वियसली कभी खाई है, सो आई डोंट नो व्हाट दिस इज। सो ये आ चुकी है हमारी MTR की स्पेशल वेज थाली। यहाँ पे एक और चीज़ आनी बाकी है, एंड आई डिडंट नो दैट दे विल बी गिविंग डोसा, दूसरा डोसा होगा आज के दिन का। यू गॉट पूरी, ये हमने जितना मैंने पूछा, दिस इज सम बीट की भाजी, दिस इज पायसम, एंड बाकी आई हैव नो आइडिया कौन सी चीज़ कैसी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। अगेन एज आई सेड, मुझे आइडिया नहीं है कौन सी चीज़ क्या है। अभी मैंने साहब से पूछा तो जो पहली चीज़ मैंने अभी खाई, इट इज़ सम वेजिटेबल सब्जी एंड दिस इज ओसम बरी, इफ आई डोंट नो अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं। इसमें देर इज कुकुम्बर, कुकुम्बर है उसका सैलड है। ये वेजिटेबल भाजी है, ये हल्की सी खट्टी है, देर इज टोमेटोज, हल्के से मस्टर्ड सीड एंड देर इज दिस कड़ी पत्ता। ये बीटरूट की भाजी है, इसको हल्का कट करके लाइट मसालों में इसको टॉस किया गया है, हल्के से मस्टर्ड सीड्स, कड़ी पत्ता। ये एक और चीज अभी साहब ने हमको आपके दी, दिस लुक्स लाइक अ दाल वड़ा, काफी कड़क है ये खाने में। इसका बेसन है, स्पाइसी काफी अच्छा है। यहाँ मीठे में हमारे पास एक हलवा है एंड यहाँ पे पायसम है। भाई हमारा आज का ब्रेकफास्ट और लंच तो बहुत हैवी हो चुका है, तो अभी ये खत्म करूंगा और फिर मैं आपको शाम के स्नैक के लिए मिलूंगा। शाम का स्नैक हम लोग लेट ही करेंगे, यहाँ पे यू ऑल्सो गेट ऐसे स्मॉल पापड़। तो अभी हम लोग शाम का एक स्नैक करने आए हैं, आई हैव कम टू दिस वेरी वेरी पॉपुलर कैफे नोन एज ग्लेंस बेकहाउस, यहाँ की कॉफ़ीज़ और यहाँ के डिजर्ट्स एंड यहाँ के जो चिकन हॉट डॉग्स और चिकन सैंडविच होते हैं वो बहुत फेमस होते हैं। बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, अब मेरा प्लान था कि मैं कहीं जाके स्ट्रीट स्टॉल में जाके कहीं से चाय पीऊँ, बट मैंने ये प्रेफर किया बिकॉज ये आप लोगों ने बहुत लोगों ने बोला था। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करने वाले हैं ग्लेंस की सिग्नेचर कॉफी, ये उनके मेन्यू में भी बहुत ऐसे टॉप रेटेड थी। कॉफी बहुत फ्रॉदी है, ये एक चीज तो सबसे पहले मुझे लग रही है। ओ वाओ,
ये ऊपर से इतना फ्रॉथ एकदम ठंडा है, नीचे से बहुत ही गर्म और बहुत ही डिलीशियस ये सिग्नेचर कॉफ़ी है ग्लेन्स की। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। इट्स लाइक वो कॉफ़ी डार्क है बट जितनी अच्छी लगती है ना वैसे उतनी डार्क है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, परफेक्ट। एंड नाउ दिस इज ब्लूबेरी चीज़ केक, दिस इज चॉकलेट मैक्रोन एंड दिस इज कैरेमल टार्ट। मेरे को रेड वेलवेट चीज़ केक चाहिए था लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, सो वी वेंट विद दिस। थोड़ा मीठा ज़्यादा है, जो क्रीम चीज़ है वो बहुत डिसेंट है, लेकिन ऊपर से जो ब्लूबेरी पल्प है थोड़ा ज़्यादा स्वीट है, बट जो क्रीम चीज़ है वो काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट ब्लूबेरी चीज़ केक है जो मैंने खाया है, बट अपनी जगह पे बहुत अच्छा है। हल्का सा डार्क है, इट इज नाइस। दिस इज कैरेमल टार्ट। दिस इज लाइक प्रॉपर कैरेमल, एकदम प्रॉपर, बहुत ही रियल और बहुत ही प्योर टेस्ट है कैरेमल का, इट्स वेरी वेरी नाइस। एक और चीज़ ऑर्डर किया, चिकन हॉटडॉग, जब तक हुआ है तब तक हम लोग ये ख़त्म करते हैं। वाओ, ये सारा खेल ये मस्टर्ड सॉस का है और ये जो अनियंस हैं थोड़े स्पाइस्ड अप हैं। एक चीज़ है, ये बहुत मेसी है बट इट्स गुड। साइड में यू ऑल्सो गेट दिस पोटैटो वेजीज, दे आर गुड। बहुत ही मज़ा आया ग्लेन्स बेकहाउस में खा के। अभी मैं फिर से होटल जाऊँगा, कुछ देर रेस्ट करूँगा, फिर रात को डिनर पे आप सभी से मिलूँगा। तो भी आप सोच रहे होंगे कि मैं आउट ऑफ नो वेयर मेघना फूड्स के बाहर का शॉट लेके रूम में कैसे आ गया। हुआ कुछ ऐसा था कि हम लोग गए थे सब डिनर करने के लिए, संडे का दिन था क्योंकि वीकेंड है, तो यार बहुत सारी गर्दी थी और क्योंकि हम लोग मैं पूरी फैमिली के साथ गया था, मॉम भी थे साथ में, तो इतना टाइम लोग वेट नहीं कर पाते। तो आई थॉट मैं सब ले लेता हूँ, मैं रूम में आके खाता हूँ और आपको बताता हूँ। ऑनेस्टली मैं भी काफी टायर्ड था तो आई डिडंट वांट टू वेट दैट लॉन्ग। एनीवेज हम लोग ने यहाँ पे बोनलेस चिकन बिरयानी लिया जो मेघना फूड्स की बहुत बहुत फेमस है। एंड हियर वी हैव चिकन 555 मेघना स्पेशल। अगर आपको मेघना फूड्स के बारे में पता नहीं है तो कहते हैं बैंगलोर में सबसे बेस्ट लाइक नंबर वन बिरयानी जो मिलती है इट इज़ फ्रॉम मेघना फूड्स। एंड यहाँ पे एक और चीज़ इन लोगों ने चिकन में कुछ तो भी दी है, इट इज काइंड ऑफ अ ग्रेवी और समथिंग, आई डोंट नो, इसको इसके ऊपर डाल के खाते हैं या क्या, खाने के बाद मालूम पड़ेगा। सबसे पहले वील बी ट्राइंग मेघना स्पेशल चिकन 555, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अब मैं जब वहाँ गया था और ओनर को जब पूछ रहा था कि आपका बेस्ट चिकन 65 या चिकन 555, He straight up told me go and try chicken 555. So let's taste this. This chicken is very tender. It's very nice. बहुत garlicky और बहुत spicy है और बहुत ही अच्छी है। सबसे important chicken के जो pieces हैं वो लंबे हैं, मोटे नहीं, पतले हैं। Very very nice. This is how the biryani looks like. वाओ, इलायची है नहीं बट इलायची की खुशबू बहुत ही अच्छी है, स्पाइसी है। इफ यू लाइक स्पाइसी बिरयानी ये बहुत आपको पसंद आएगी। कोई भी बिरयानी का मजा तभी आएगा खाने में अगर उसका जो दाना वो खिला खिला हो और अच्छे से बड़ा बड़ा हो। अब मुझे पता नहीं कि इसमें चिकन ऐसे अलग से देते हैं या क्या, तो दिस इज द चिकन की ग्रेवी, उन्होंने अलग से दी है, तो ये लेंगे एक बार हम, इसको ऐसे बीच में डालेंगे, अच्छे से इसको ऐसा मिक्स करेंगे। आई गेस ये चिकन की ग्रेवी के साथ ही ये बिरयानी खाते हैं, बिकॉज इसको डालने के बाद एकदम अलग ही टेस्ट आ रहा है। इफ़ समवन फ्रॉम यू हु लव्स एंड हु इज़ लाइक अ रेगुलर
पर्सन जो जाता है मेघना फूड्स के पास, तो कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे ये ग्रेवी नॉर्मली भी मिलती है क्या, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी जो बिरयानी है उसमें ऑलरेडी काफ़ी चिकन के पीसेस हैं, तो मे बी ये उन्होंने गलती से मुझे दे दी है या ये इसके साथ ही आती है। जो भी कन्फ्यूजन है आप दूर कर दो कॉमेंट में और मुझे बताओ। बट ट्रस्ट मी, चिकन ट्रिपल फ्राई और ये बोनलेस चिकन बिरयानी मेघना से ऑर्डर करना बनता है अगर आप बैंगलोर में आते हो तो। तो काफ़ी कुछ है ख़त्म करने को क्योंकि मैं डिनर फैमिली के साथ करने वाला था, तो ये सब मैं अकेले तो खत्म कर नहीं पाऊंगा। बट दैट्स वेयर वी विल एंड दिस वीडियो। बहुत स्पाइसी था। अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट कर दो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज ऑलवेज पीस।